सवाल है कि मुहर्रम में शादी वगैरह करना कैसा बेहतर है, दीगर महीनों के मुकाबले में मुहर्रम और हराम के महीने में शादी करना अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही अफजल, क्योंकि शादी ही दीन है। अल्लाह के नबी ने कहा, बड़ी प्यारी हदीस है, इदा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, इब्न आदम जब शादी कर लेता है तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। अल्लाह अकबर, शादी को नबी मुकर्रम ने आधा दीन करार दिया है, आधा दीन। तो जाहिर सी बात है कि जब शादी दीन है तो मुहर्रमुल हराम के महीने में दीन पर अमल क्यों नहीं किया जा सकता। यह हदीस बिल्कुल वाज़ह है कि जब वो शादी दीन है तो इस अफजल महीने में शादी का करना भी अफजल है। कोई भी नेक काम करना शादी दीन का एक हिस्सा है, शादी नेक कामों में से है, नेकियों में से है, आमाले सालिहा में से है, अच्छे अमाल में से है। तो जाहिर सी बात है कि शादी एक अच्छा अमल है, सालिह अमल है, तो मुहर्रमुल हराम यानी अफजल महीने में क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल किया जा सकता है। यह बदअकीदगी है लोगों के अंदर कि इस महीने में शादी नहीं करना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, उन लोगों को कुरान और हदीस का सही मुताला करना चाहिए, सीरत नबुव्विया का मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीरत सहाबा को सही तरीके से पढ़ना चाहिए और उनके वाकयात से जो है नसीहत हासिल करनी चाहिए। सहाबा किराम इस महीने में शादियां किया करते थे, तबा ताबईन इस महीने में शादियां किया करते थे। ये नहुसत वाला महीना नहीं, और कोई भी महीना जो है नहुसत वाला नहीं होता। कोई दिन नहुसत वाला नहीं होता, कोई घंटा कोई घड़ी नहुसत वाला नहीं होता, कोई रात और दिन नहुसत वाला नहीं होता। लोगों के सोच मनहूस हो चुके, लोगों के सोच गलत और गंदे हो चुके। लिहाजा मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी किया जा सकता, शादी दीन है, एक अच्छा अमल है। तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छा अमल है तो अफजल महीने में बिल्कुल कर सकते, बदर्ज औला दीगर महीनों के मुकाबले में मुहर्रमुल हराम के महीने में किया जा सकता है। वल्लाहु आलम बिसवाब।